हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसी मट्टियाँ, जो अक्सर हम बाजार से खरीद के लाते हैं, घर पे कम ही बनाते हैं। पर आज मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरीके से मट्टियाँ बनाई जाती है। और होली आने वाली है, अब मैं जितनी भी रेसिपीज आपको सिखाऊंगी होली आने तक, वो ज्यादातर वही रेसिपीज होंगी जो हम अक्सर होली पर अपने घर में बनाते हैं। तो आप देखते रहिए और आइए बनाते हैं मट्टियाँ। मट्टियाँ बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आपके घर में जो भी कटोरी अवेलेबल हो आप उससे नाप ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है और 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, और उसी कटोरी से मैंने 1/2 कटोरी ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। और हमें तेल चाहिए मट्टियों को तलने के लिए। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें अपने मैदा को डालेंगे। नमक डाल लेंगे इसमें, अजवाइन और ऑयल। अब हम ऑयल को मैदा में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो और एकदम से हो जाएंगी तो वो क्रिस्पी नहीं रहेंगी, इसलिए हम बिल्कुल
जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा मटकियाँ क्रिस्पी होंगी, करारी होंगी। ऐसे धीरे धीरे डाल दें मटकियों को। बहुत ज्यादा न डाली नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया मैंने। अब इन्हें धीरे धीरे सेकना है हमें, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ऐसी धीमी आंच पे सेकना है। बीच बीच में हम मट्टियों को पलटते रहेंगे। और गैस को मैं हल्का सा, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कम हो गई है तो हल्का सा बढ़ा देती हूँ मीडियम पे, पर बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है। और अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए हमारी मटकियों पे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है और हमें इसमें डार्क गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। और बिल्कुल धीरे धीरे हाथ से हम पलटेंगे इसे, नहीं तो ये टूट जाएगी। बहुत सॉफ्ट है अभी और पकने के बाद बिल्कुल खस्ता हो जाएंगी। और गैस को हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत ज्यादा कम नहीं और बहुत ज्यादा तेज नहीं। हमारी मटकियां गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, इन्हें हम और ज्यादा नहीं सेकेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। देखिए हमारी मटकियां रेडी हो गई हैं। अब इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लें। बहुत ज्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो आपको जले हुए का टेस्ट आएगा। बिल्कुल मीडियम कलर रखना, बहुत ज्यादा लाइट भी और बहुत ज्यादा डार्क कलर भी नहीं आना चाहिए। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बाजार जैसी मट्ठियां रेडी हो गई है। हमने इन्हें अपने हाथों से और घर पर बनाया है और इन्हें बिल्कुल ठंडा करके सर्व करें। बिल्कुल बाजार जैसी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इन्हें बनाने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।